मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए लगातार रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के जरिए कार्य कर रही है और इसके तहत स्थानीय स्तर पर ही रोजगार और इंडस्ट्री स्थापित करने की दिशा में प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इसी कड़ी में अगली रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव 27 सितंबर को होने जा रही है जिसकी मेजबानी सागर जिले में होगी। देखिए इस पर पब्लिक फर्स्ट की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर में 27 सितंबर को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार लगातार रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने के मिशन में जुटी हुई है। इससे पहले उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव आयोजित करने के बाद अब सागर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव में देश भर के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है। बुंदेलखंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं। बिना रिफाइनरी देश के बड़ी रिफाइनरियों में शामिल है। वहीं बुंदेलखंड रेल और सड़क मार्ग से भी पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। सागर जिले में वर्तमान में 5 औद्योगिक क्षेत्र विकसित है। इसमें सिद्ध गुआ औद्योगिक क्षेत्र, नौगांव, बीना औद्योगिक, सुभाष नगर सागर अर्ध शहरी औद्योगिक संस्थान बीना और ग्रामीण कर्मशाला रहली शामिल है। बरसों से पलायन का दंश झेल रहे बुंदेलखंड के युवाओं को मुख्यमंत्री मोहन यादव के इन प्रयासों से काफी उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश का हर क्षेत्र विकसित हो सके, इसका रोडमैप अब दिखाई देने लगा है। इससे इन क्षेत्रों में कृषि और अन्य व्यवसायों के विकास और उन्नति में भी बड़ी सफलता मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक फर्स्ट न्यूज, भोपाल। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।